हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग में। और आज की इस वीडियो में गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अपने गुलदाउदी प्लांट पर इतने बड़े बड़े फ्लावर्स किस तरीके से ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर होने वाला है। तो आप देख पा रहे हो कितने ज़्यादा बड़े बड़े फूल आ रहे हैं इसमें डहेलिया की तरह। तो ये मैंने क्या किया है, इस प्लांट पर क्या फर्टिलाइज़र यूज किया, किस तरीके से इतने बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसी प्लांट पे इतने बड़े बड़े फूल क्यों आ रहे हैं। ये पास में एक गुलदाउदी का प्लांट है, आप इसमें भी देख पा रहे हो कितने ज़्यादा छोटे फूल हैं, और इसमें कलियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो इतने ज़्यादा फूल नहीं है इस पर देख पा रहे। और इस पर देख सकते हो आप अभी भी इसमें जो गोली इसमें बनी हुई ना थोड़ी सी, और जब ये पूरी निकल जाएगी और अंदर में कुछ इस तरीके का टाइप का ये येलो कलर का शैडो दिख रहा है ना, इसमें भी अंदर का जो निकल जाएगा तो बिल्कुल जो डहलिया प्लांट होता है ना, डहलिया का फूल होता है, कुछ उस साइज़ का ये फूल हो जाएगा। तो अभी देख पा रहे हो इसमें कलियां भी आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लावर्स मुझे पूरे प्लांट्स में ये मिला है। तो मैंने इस पर क्या ट्रिक यूज़ की है, क्या फर्टिलाइज़र इसको दिया है, क्या केयर इसकी मैंने की है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चले तो मैं आपको और भी प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे क्रिसेंथेमम में आप इसमें देख सकते हो कितनी ज़्यादा कलियां हैं। तो इस पर भी मैंने क्या ट्रिक यूज़ की है, क्या और बड़े फ्लावर्स लेने के लिए उसमें क्या मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, क्या केयर मैंने की है वो भी बताऊंगा, और ज़्यादा फूल लेने के लिए वो भी मैंने क्या फर्टिलाइज़र इसमें यूज किया है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे सभी प्लांटों में देख सकते हो कलियाँ भर भर के आ रही हैं, पूरे प्लांट्स मेरे कलियों से भरे पड़े हैं, देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा बडिंग है, और अभी भी इसमें बडिंग आती जा रही है, पूरा फूलों से भर जाएगा ये प्लांट। और इधर ये वाला देख पा रहे हो, ये मिनिएचर वाला है, बिल्कुल छोटे फूल खिलते हैं और इसमें कलियां देख पा रहे हो बिल्कुल निकलती जा रही हैं। और इसमें देखो गाइस पूरा कलियों से भरा पड़ा है मेरा गुलदाउदी का प्लांट, जब इसमें फूल खिलेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, इतने बुरी तरीके से इसमें फूल आ रहा है। और कुछ में तो फूल आ भी चुके हैं आप देख पा रहे हो, तो सभी में मेरे कुछ इसी तरीके से कलियां बन रही हैं ये। तो देखो मैंने इन पर ट्रिक क्या यूज करी है, देख पा रहे हो आप पूरे, और इधर आप इसमें देख पा रहे हो मेरे गोल्ड में पूरे कलियों से भरा पड़ा है, पूरा गार्डन फूलों से महक उठा है। और इसी तरह आप डहलिया पर भी देख सकते हो, ये मिनेचर वाला देसी वाला डहलिया है, और आप इसमें कलियां देख सकते हो कितनी ज़्यादा बडिंग हो रही है, और इसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल भी आ रहा है। तो देख सकते हो क्या मैंने इस पर ट्रिक यूज़ की है, क्या केयर किया, क्या फर्टिलाइज़र मैंने इसको दिया है, जो कि इतना ज़्यादा फूल आ रहा है, इनमें कलियाँ आ रही हैं, और इतने बड़े बड़े फूल किस तरीके से आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ आपको। बस आपको किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए, आपको गारंटी देता हूँ आप भी इसी तरीके से फूल ले सकते हो अपने सभी प्लांट्स से। तो चलिए आपको बता ही देता हूँ आखिर मैंने क्या ट्रिक यूज की है। सिंपली मैं आपको दो ट्रिक यूज बताने वाला हूँ, आप में से आपको जो अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हो अपने प्लांट पर, आपको जो ट्रिक यूज फुल लगे वो आप यूज कर सकते हो अपने प्लांट पर। फर्स्ट आपको अगर बड़े फूल चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा, और अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। सिंपली गाइस आप इस प्लांट को देख पाओगे तो एक तो ये स्टेम में काफ़ी लंबा है, देख पा रहे हो लगभग इसकी 1 से 1.5 फुट हाइट है ना। और गाइस अगर आप देख पाओगे तो मैंने इस प्लांट की पिंचिंग नहीं की, ठीक है। अगर आप इसकी पिंचिंग करोगे तो आपके कुछ इस तरीके से छोटे फूल आएंगे, क्योंकि अगर आप पिंचिंग करोगे तो एक तो ज़्यादा बडिंग बनेगी, उसमें ज़्यादा कलियां बनेंगी तो ज़्यादा फूल आएंगे। और मोस्टली सभी को पता है अगर हम पिंचिंग करेंगे तो छोटा फूल तो आएगा ही,
चलिए आपको मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। अगर एक कुत्ते के पांच पिल्ले हैं, पांच बच्चे हैं, ठीक है, तो वो पांच बच्चे हैं ना, तो वो पांच है ना, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे, ज़्यादा हट्टे कट्टे मोटे तगड़े नहीं रहेंगे। अगर एक ही कुत्ती के अगर दो बच्चे हैं तो वो दो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, काफ़ी मोटे तगड़े रहेंगे, क्योंकि पूरा दूध तो वही पियेंगे ना। इसी वजह से कुछ प्लांट्स के साथ होता है कि प्लांट को अगर एक प्लांट में अगर पांच फूल खिल रहा है तो पांच फूल की एनर्जी पूरे पांच ही फूल तो ले रहे हैं, तो इस वजह से ना इनकी हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आप देख पा रहे हो तो इतने ज़्यादा संख्या में फ्लावर्स हैं तो उनको तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलेगी, तो उस हिसाब से ये फूल खिलेंगे। एक तो आप इसकी पिंचिंग मत करो, और एक गमले में बस एक ही प्लांट लगाओ आप। और जैसे कि मेरा एक ये भी प्लांट देख पा रहे हो, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कलियों में इतना ज़्यादा वज़न हो गया कि वो झुकने लग गया, तो अभी इसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी भी हवा अगर चल गई ना तो ये प्लांट टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से हैवी फूल चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आपको इसकी पिंचिंग नहीं करना है, पिंचिंग मत करो। और आपको जो ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं उनको इस तरीके से, जैसा कि ये वाली कलियाँ हैं, तो आपको इस तरीके से तोड़ के फेंक देना है अगर ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं। मोस्ट अगर आपको चाहिए कि एक पौधे में 20 फूल चाहिए तो आपको 20 कलियाँ रहने देना है, और वो भी ज़्यादा इतनी सुंदर लगेंगे। जैसे कि मुझे ज़्यादा फूल पसंद नहीं है, मुझे पसंद होते हैं कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फूल हो, सॉरी बड़े फूल हो लेकिन अच्छे हो। और अगर आप इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मोटी है, ऐसी लग रही है कि जैसे कि प्लास्टिक के फूल हो, तो इसका फ़ायदा ये रहता है। तो इसी तरह आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये तो इसमें देख सकते हो कलियाँ कितनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसमें कलियों का देखो पूरा भरा पड़ा है, और ये मैंने एक 10 इंच के पॉलीथीन में एक प्लांट लगाया। तो आप कोशिश करिए गमले में एक ही प्लांट लगाओ, क्योंकि अगर दो लगा देते हैं तो एनर्जी उनको नहीं मिल पाती ज़्यादा प्लांटों को, तो कोशिश करना आप एक पॉलीथीन में या एक ही गमले में एक ही प्लांट लगाएं। फर्टिलाइज़र की अगर बात करूँ, मैंने इसको फर्टिलाइज़र क्या दिया था, तो चलिए आपको फर्टिलाइज़र भी रिकमेंड करूँगा। बहुत ही ज़्यादा फ्री की खाद होने वाली है, फ्री का फर्टिलाइज़र होने वाला है, जो कि आप बिना एक रुपये खर्च करे आप बना सकते हो, वो भी घर पर। ऑर्गेनिक केमिकल का तो मैं दिखाता ही नहीं हूँ आपको, तो चलिए दिखाता हूँ फर्टिलाइज़र मैंने इसको क्या दिया था, जो कि इसके फूल है उसका कितना ज़्यादा साइज़ निकल के आया है। तो चलिए फर्टिलाइज़र मैंने क्या दिया था इसको वो दिखाता हूँ। जिसे कि आप देख पा रहे हो, ये रहे हमारे पास कुछ उबले, ठीक है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंडे लेना है जो कि भैंस या गाय के गोबर के बने होते हैं, आपको कहीं इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, या फिर आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में इजीली सभी के पास होते हैं। तो अगर नहीं भी होते तो आप किसी भी मार्केट से जाके लेके आ सकते हो, या फिर कहीं पे भी रोड पे साइड में गोबर पड़ा रहता है वो सूख जाता है, तो आपको उन उबलों को लेके आना है। लेकिन आपको उबले लगभग एक साल के होने चाहिए, एक साल पुराने, जो कि न्यू होते हैं ना वो गर्म रहते हैं, तो आपको एक साल पुराने उबले लेना है। लेने के बाद आपको उनको टुकड़े करके कुछ पानी में भिगो देना लगभग 24 से 48 घंटे के लिए, और भिगोने के बाद आपको छोड़ देना। छोड़ने के बाद जो इसका पानी होता है कुछ इस तरीके से, आपको कुछ इस तरीके से ये पानी लेना है, और पानी को आपको और भी डिसॉल्व करना है पानी में। कुछ मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको डिसॉल्व करना है, और इसका भी हम खाद बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, तो आप मुझे बताना इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं, इसका भी खाद बनता है। तो वो आपको अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसको यूज किस तरीके से करना है, तो सिंपली हमको इस 10 लीटर पानी में हम इसको डालेंगे। इसको पहले तो इसमें हम डिजॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। और आपको करने के बाद करना क्या है, कुछ आपको इसमें एक चीज़ और भी मिलानी है, आपको इसमें एक चम्मच कुछ, आपको एक चम्मच इसमें फंगिसाइड का यूज करना है, ताकि इसमें कुछ फंगस हो वो निकल जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से घोल देना है इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो आपको करना क्या है, पर प्लांट आपको 500 ml लेना है, और 500 ml आपका जिस भी गमला हो जैसा भी हो आप उस तरीके से आपको डाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं डाल दे रहा हूँ। आपको इसको सभी प्लांटों में डाल देना है, आपके फ्रूटिंग प्लांट हो और कोई भी प्लांट हो आप सभी में डाल सकते हो, और 1 वीक के अंदर आपको कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जो आपको पहले मैंने वीडियो के पहले जो ट्रिक बताई आपको उसको फॉलो करना है, फिर आपको कुछ इस तरीके के लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय और हैप्पी गार्डनिंग।